नमस्कार दोस्तों, हरियाणा की राजनीति हांफ रही है। सत्ता और विपक्ष की भिड़ंत सीधी देख सकते हैं हम। कल 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आने हैं और उन नतीजों से कांग्रेस जहां उत्साहित है कि एंटी इनकम्बेंसी से उनको लाभ मिलेगा, वहीं भाजपा भी कूल मूड में है और इस कूल मूड के साथ ही वो हरियाणा के चुनाव को भी बड़ा नज़दीकी से देखती है। भारतीय जनता पार्टी वैसे तो हमेशा एक्शन मूड में रहती है चुनाव में, और एक साल भी मुश्किल से बचा है विधानसभा चुनाव की जो समय है वो बहुत नज़दीक आ रहा है। और मैं अगर बड़ौदा हलका की बात करूं तो बड़ौदा हलका में भाजपा से प्रत्याशी के तौर पर एक तरह से बहुत लोगों की मतलब सूची तो भले ही लंबी हो, लेकिन कुछ चुनिंदा जो लोग हैं जिन पे वोटरों की भी नज़र है और पार्टी की भी नज़र है, ऐसे ही एक प्रबल दावेदार हैं ACP दिल्ली पुलिस में सुल्तानपुरी में नियुक्त हैं आजकल। वैसे तो मैं हल्के फुल्के मूड में उनसे अक्सर मिलती रहती हूँ, लेकिन आज मैं स्पेशल उनसे मिलने आई। राजवीर भाई, सबसे पहले तो हमारे चैनल पे भी आपका स्वागत है। मैं जी आपको मेरा सादर नमस्कार है जी, और आपके जो चैनल है जगत महान, उनके दर्शकों को मेरा नमन है जी। भैया मैं अक्सर आपसे मिलती रहती हूँ, ये आपका थोड़ा सा बंद हो गया, सॉरी इसको छोड़ देते हैं हम। वैसे मलिकों का बड़ा मतलब जोर है बड़ौदा हल्का में, गोहाना सब डिवीजन लगा लो, मलिकों की एक बड़ी अच्छी खासी गांव है, 17.25 भी वहाँ हैं। तो कई बार मैं जैसे चर्चा करती हूँ तो ये कहते हैं कि मलिकों का दावा बनता है, तो बड़ौदा हल्का में आप किस तरह से देखते हैं बड़ौदा हल्का को? मेरा मानना ऐसा है बहन जी, मैं जाति पाति में बिल्कुल विश्वास नहीं करता जी, मैं अच्छे इंसानियत और अच्छे व्यक्तित्व में विश्वास रखता हूँ, और मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ, मैं लोगों के दर्द से जुड़ता हूँ, उनके दर्द को दूर करने की कोशिश करता हूँ और उनकी हर संभव मदद करने की कोशिश करता हूँ, हो सकता है उनकी हर संभव यथासंभव जो है मदद करता हूँ। ये तो आपकी चर्चा मतलब मैं आपके सामने नहीं कर रही, बल्कि लोग आपसे मिलने आते हैं, लगाव रखते हैं, और लंबे टाइम से आपकी जो मतलब पिछली पीढ़ी थी, आपके चाचा थे, उन्होंने भी एक बार जनसंघ से चुनाव लड़ा, तो आपकी जो पहचान है ना वो जनसंघ से ज़्यादा, और लंबे टाइम से आप इस डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं। तो ऐसे में जो मैं राजनीति की बात करते हैं लोग हमारे से बात करते हैं, आप तो दिल्ली आ जाते हो अपनी ड्यूटी पूरी करके, तो लोगों के दिमाग में है कि क्या राजवीर मलिक तैयार हैं बड़ौदा से, ये प्रश्न है पब्लिक की तरफ से। बहन जी जैसा आपने कहा, मेरे ताऊ जी थे चौधरी हरकिशन मलिक एडवोकेट जी, जी, वो सन 1962 में पहला चुनाव जो है जनसंघ से लड़े थे, हाँ। दीपक जो है उनका चुनाव चिन्ह था। अच्छा, उस हालात में वो वहाँ पे जब गोहाना और बड़ौदा एक था, हाँ, हाँ। जब वो मात्र 1300 वोटों से हारे थे, हाँ। और उस टाइम पे 1962 में आप ये देखो जनसंघ को कौन जानता कौन जानता था, और हरियाणा और पंजाब उसी टाइम से शायद उस टाइम साथ थे, हरियाणा ये तो 69 में हरियाणा अलग हुआ है, यस यस यस। तो उस हालात में जो है इतनी वो करना, और उसके बावजूद भी फिर 3 जो है इलेक्शन मेरे ताऊजी लड़े, जो उस टाइम के बुजुर्ग आदमी हैं, 75-80 साल के आदमी हैं, वो उनको अच्छे भली बातें जानते होंगे, वो और 3 इलेक्शन भी लड़े, तो 3 इलेक्शन लड़े तो उनका चुनाव चिन्ह होता था घोड़ा। अच्छा, तो लोग ये कहते थे, मैं तो बहुत छोटा था उसके बाद, तो वह जीतेगा भाई जीतेगा, घोड़े वाला जीतेगा, और इतना वो था कि वो जो 3 इलेक्शन भी है ना, कोई 200 से, कोई 250 से, कोई 500 से, कोई 700 से, इस मार्जिन से हारे थे। लेकिन राजवीर भाई मैं बात करूँ तो ट्रेंड चेंज हो चुका है, 10 साल से बीजेपी केंद्र में भी है, राज्यों में भी है, बीजेपी ने एक बहुत अच्छा संगठन तैयार कर लिया है और माइक्रो मैनेजमेंट है। आज लगता है आपको कि अगर पार्टी आपको मौका देती इन चीज़ों का, आपको लाभ मिलेगा, आपकी पीढ़ी का नाम है भाजपा में, तो एक पुलिस की नौकरी है एकदम राजनेता बनना, तो आप कैसे सामंजस्य बिठा पाएंगे और कैसे लगता है आपको कि आप जीत जाएंगे बड़ौदा से? ऐसा है रंजी, अगर पार्टी मुझे मौका देती है, मुझे चुनती है इस काम के लिए, या मुझे इसके लिए लायक समझती है, तो मैं भी उसके लिए तैयार हूँ, और नहीं तो मैं अपना नौकरी करूँगा बहन जी, और नौकरी के बगैर जो है मेरा जो समय भी नहीं पास होगा, और नौकरी भी मेरी ऐसी है वो भी एक जनसेवा का काम है, जनसेवा का माध्यम है मेरे लिए, जो लोगों की परेशान लोगों की दो चीज़ें हैं बहन जी। आप एक महसूस करके देखो, जब किसी का बच्चा गुम हो जाता है, किसी की लड़की
का इलोपमेंट हो जाता है, भाग जाती है, या कोई और संकट आता है, तो उसको उस व्यक्ति को उस टाइम पे दो ही आदमी याद आते हैं, एक भगवान और एक पुलिस। मैं पूरे उसकी बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, एक जनरल सी वो है। तो भगवान तो देखो नीचे उतर के आ नहीं सकते, साथ साथ उनके उसमें जो है भगवान पुलिस से मिलवाते हैं और वो माध्यम बनते हैं कि भाई ये आपका काम करेंगे। और उस टाइम पे आपका बच्चा, आपकी बच्ची जो गई हुई थी, वो आपकी गोद में आ जाए, आपके पास आ जाए, तो आपको कितना सुकून और कितनी राहत मिलती है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। अच्छा, आप इस पोस्ट पे होते हुए एजुकेशन पे बड़ा जोर दिए हुए हैं, और एजुकेशन के अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ ना, आप फील्ड में जाके देखो भाई साहब, हेल्थ पे और एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। आप इस पोस्ट पे बैठ के लगातार फील्ड में काम करते हैं लोगों की, बच्चे पैदा हो रहे हैं, बच्चों में कुपोषण का बहुत शिकार है बच्चे, और आपने ध्यान दिया होगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक ही बात के पीछे पड़े हुए हैं कि इन बच्चों का स्वास्थ्य जो है वो ठीक हो और वो कुपोषित के शिकार ना हो, कुपोषण के शिकार ना हो। और उन्होंने एक ही बात कही है, हर परिवार को अपने घर में दो दो चार चार भैंजी, एक पौधा होता है सहजन का, जिसको मोरिंगा बोलते हैं। अच्छा, वो चार पांच पौधे हर परिवार को, अगर वो गरीब है उसके पास जमीन नहीं है, मैं कह रहा हूँ अपने घर के बाहर लगा ले, अब घर के प्रांगण में लगा ले, कहीं तो ऐसा होगा और कहीं भी नहीं है तो रोड के किनारे लगा ले, और उसके 20-30-40 पत्ते जो भी व्यक्ति जो भी बच्चा डेली सेवन करेगा, मैं कह रहा हूँ वो इतनी ताकतवर चीज है। उसमें ये समझ लो एक चम्मच, अगर उसका पाउडर के तौर पे मान लो, एक छोटी यूनिट के तौर पे, उस एक चम्मच में इतनी ताकत है एक गिलास दूध जितनी, 6-7 संतरों जितनी, और कैल्शियम जैसे केले में होता है उतना कैल्शियम है, और प्रोटीन मतलब क्या अंडा करेगा क्या मीट करेगा उन दोनों से भी, क्या दालें करेगी उन दोनों से भी डबल प्रोटीन होता है। तो इतना अच्छा जब हमारे पास में पौधा है, और माननीय प्रधानमंत्री जी इस चीज के लिए लग रहे हैं कि हर एक आदमी को ये पौधा अपने घर में लगाना चाहिए, तो मेरा आज आपसे, आपके दर्शकों के और आपके चैनल के माध्यम से इतनी सी विनती है कि हर परिवार अपने घर में, आस में, पड़ोस में, रोड किनारे, सड़क किनारे 2-4-5 पौधे सहजन के लगाए, और सहजन के पौधों को लगाना एक आंदोलन के रूप में यूज करें, और देखो फिर हमारा स्वास्थ्य कैसा होगा। ये तो थी बहुत अच्छी बात कही, आप इसको कैंपेन के तौर पे भी चला सकते हैं। स्कूल, कॉलेज, हेल्थ की तरफ आप भी अवेयरनेस पे जुटे रहते हैं पोस्ट पे होने के बावजूद भी, लेकिन मैं अगर वर्तमान में ना क्राइम की बात करूँगा, तो छोटे बच्चे से 5 साल के बच्चे का भी दिमाग में मतलब क्राइम घुस गया, बहुत ज़्यादा आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। और आप तो ऐसी जगह पे बैठे हैं, पूरा ही फील्ड मतलब एक तरह से आपका जो एरिया है अपराधियों का है, तो इस तरह की जो मानसिकता आ गई हमारे बच्चों में, हमारी पीढ़ी में, उसका अगर मैं मानसिक तौर पे ही आपसे ये प्रश्न पूछूं वैज्ञानिक तथ्यों से, तो ये अपराध के आंकड़े कैसे कम हो, कैसे इन बच्चों को इन चीज़ों से बाहर निकाले, क्योंकि आप ऐसे पद पे बैठे हैं जहाँ इन चीज़ों पे नजर रहती है। बहुत अच्छा बहन जी आपने सवाल किया है। हाँ। जो आपने कहा था कि भाई एजुकेशन के लिए, बहन जी मैं जब भी जाता हूँ हर 15 दिन में 20 दिन में जब भी जाता हूँ गोहाना बड़ौदा हल्के में, कहीं भी जाता हूँ, गांव में जाता हूँ, तो मैंने बहुत सारी किताबें जो हैं वो इकट्ठी कर रखी हैं। अच्छा। जो डिफरेंट एग्जाम्स की हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, हरियाणा पुलिस के लिए, चंडीगढ़ पुलिस के लिए, आर्मी के लिए, तो मैं उन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट वो किताबें देता हूँ, भाई ये पढ़ो बच्चों। एक तो उनके अंदर किताबें मिलने के बाद उनको ये नहीं रहेगी कौन सी किताबें लें, उनको ये भी नहीं पता बेचारों को कि कौन सी किताबें हमें पढ़नी चाहिए, कौन सी किताबें लेनी चाहिए। दूसरी चीज स्वास्थ्य की जहां तक बात है बहन जी, ये जागरूकता जो है लानी बहुत जरूरी है। और जो आपने एक बात कही कि क्राइम के उसमें जा रहे हैं बच्चे, इसका सबसे बड़ा कारण है बहन जी एजुकेशन। अगर शिक्षा होगी ना तो बच्चे दूसरी तरफ क्राइम की तरफ नहीं जाएंगे। और क्राइम के साथ साथ आज अपना हरियाणा बहन जी, आप पंजाब के साथ लगते हरियाणा को देखो, नशे में बिल्कुल टुल हो चुका है, उसको भी बचाना की बहुत सख्त जरूरत है। और इसमें कोई ये नहीं कि ये अकेला सरकार का काम है, ये पूरे समाज का काम है, समाज के हर प्रभुत्व वाले आदमी का, और हर जो आदमी हर एक उसमें संभव है जो हर काम को कर सकता है, तो ये जिम्मेदारी ले कौन। आपने कह दिया अभी सरकार का अकेले का नहीं है, प्रबुद्ध लोग भी करे, तो जिम्मेदारी लेने के लिए कोई आगे कोई इस तरह का क्या सा मंच, सारे समाज को, जो समाज के मैंने बताया ना प्रबुद्ध लोग हैं, आप जैसे हमारे जैसे और भी आदमी जो है, और ये चीजें सुन के प्रोपगेट करोगे 10 आदमियों को और इससे वो मिलेगी, वो फिर आगे आएंगे।
अगर इस तरह का हम इस जो सबसे बड़ी चीज है ना नशा, अगर हम इस नशे को भी रोक पाए ना तो इस क्रिमिनल एक्टिविटी पे हम रोकथाम कर लेंगे, क्योंकि ये नशा जो है क्रिमिनल एक्टिविटी को बढ़ावा देता है, क्योंकि उनको चाहिए इजी मनी। हाँ। और वो मनी जो पैसा जो आएगा वो उसी से आएगा, और उस नशे से हटा के बच्चों को हमें स्पोर्ट्स में खेल में बढ़ावा देना पड़ेगा, हमें गांव में शहरों में जिले पे कस्बे वाइज जो है खेलों को प्रोत्साहन करें, उन्हें छोटे छोटे रिवार्ड करने पड़ेंगे। जैसे कि मैं कहीं अक्सर जाता रहता हूँ, कबड्डी के खेल और दूसरे खेल, क्रिकेट के खेल, फुटबॉल के खेल कराते रहते हैं, और बच्चों को छोटा छोटा प्रोत्साहन, उसमें बच्चे खुश रहते हैं और एक उसमें अपने खेल में रब्बा भी लग जाता है और वो नशे से जो है दूर रह जाते हैं। तो बहुत अच्छी बात की राजवीर भाई ने, एक अधिकारी होने के नाते ये इस तरह के प्रोग्रामों में हमेशा बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, प्रेरित भी करते हैं, क्योंकि मैंने आपके सारे प्रोग्राम कवर किए हैं। खेलों में तो इनका विशेष ध्यान रहता है, एजुकेशन में भी, और अब अगर ये दूसरी पारी राजनीति की खेलते हैं तो इनकी शुरुआत इनके विचारों से यही से देखी जाएगी, और हम भी समय समय पर इनसे मिलते रहेंगे। आज बहुत ही ईजी मूड में थे राजवीर भाई, वैसे सुबह मैं देखती हूँ इनकी वीडियो, गायें रख रखी इन्होंने, मतलब मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि 18-19 गायें हैं, भाई साहब सुबह उठ के उनकी सेवा करते हैं, और मेरे ख्याल में 150 आदमी तो इनके डेली गए हैं जो हल्के के आकर मिलते हैं। अगर हल्के के लोगों का इनके प्रति मन बना हुआ है और पार्टी इनको मौका देती है तो शायद राजवीर भाई अपने इस उद्देश्य को लेकर, अपने इस टारगेट को लेकर विधानसभा में हर हाल में पहुंचेंगे, ऐसी हमारी भी दुआ है। दिल्ली से सारिका की रिपोर्ट, नमस्कार। नमस्कार बहन जी, आपका, आपके दर्शकों का और आपके चैनल को नमन। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। Thank you.